नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर बार पेपर में इससे काफी प्रश्न आते हैं मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और इस बार भी पूरे चांसेस है कि इस बार भी काफी प्रश्न आएंगे, क्योंकि सिनेमा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, इंटीग्रल पार्ट रहा है कम्युनिकेशन में, अगर हम बात करें मास कम्युनिकेशन के अंदर। और एक सिनेमा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहा है पेपर के अंदर। कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको हमेशा इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको यहाँ पर पूरा ब्रीफ में बताऊंगा कि किस समय कौन सी हिस्ट्री में क्या हुआ था चेंज। हम पूरा शुरू से शुरू करेंगे और अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे जो शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहला इरा से, जब से सिनेमा शुरू हुआ। तो सबसे पहला इरा था साइलेंट फिल्म्स, जो 1890 से लेके 1920 तक माना जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहली किसी ने अगर कोई भी फिल्म बनाई थी इंडिया के अंदर, तो वो थे H.S. भटावडेकर। हम लोग हमेशा ये जानते हैं कि सबसे पहले राजा हरिश्चंद मूवी बनी थी, उसको बनाया था दादा साहब फाल्के ने, मगर वो सही चीज नहीं है। दादा साहब फाल्के ने पहली फीचर फिल्म बनाई थी, फुली फ्लैश फीचर फिल्म थी वो। मगर अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहली बार कोई भी पहली फिल्म अगर इंडिया में बनी थी, या हम कहें पहली बार इंडिया में कोई भी फिल्म बनी थी, तो उसमें आपको आंसर हमेशा देना है H.S. भटावडेकर का, क्योंकि इन्होंने पहली फिल्म रेसलर के ऊपर बनाई थी 1899 में, जो कि एक रेसलिंग मैच के ऊपर बेस्ड थी, हैंगिंग गार्डन बॉम्बे यहाँ पर पूरा मेंशन है। वो पहली फिल्म थी जो पहली बार कोई भी सिने कैमरे से, या हम कहें कोई भी कैमरे से शूट की गई थी इंडिया के अंदर, और ये एक डॉक्यूमेंट फिल्म थी। क्योंकि आप राजा हरिश्चंद की बात करते हैं, वो एक फुली फीचर्ड फिल्म थी, मगर ये एक डॉक्यूमेंट फिल्म थी जो कि पहली बार शॉट हुई थी 1899 के अंदर। तो आपको ये याद रखना है कि पहली कोई भी फिल्म इंडिया के अंदर शूट हुई थी उसका नाम था रेसलर्स, 1899 में ये शूट की गई थी और ये बनाई गई थी पहली बार H.S. भटावडेकर द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दादा साहब तोरणे की। अगर हम दादा साहब तोरणे की बात करें तो उन्होंने अपनी एक फिल्म रिलीज की थी, अगर हम बात करें पहली साइलेंट फिल्म थी, जिसका नाम था श्री पुंडलिक। ये इन्होंने मराठी में बनाई थी, जो रिलीज हुई थी 18 मई 1912 के अंदर एट कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ बॉम्बे के अंदर ये रिलीज की गई थी। अब आप देखिए साइलेंट फिल्म में भी सबसे पहले दादा साहब थोरने का नाम आ रहा है। यहाँ पर अगर हम वैसे जनरली अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं राजा हरिश्चंद की बात करते हैं, जो कि एक पहली साइलेंट फीचर फिल्म मानी जाती है, और पेपर में भी कई बार आपको ये आंसर आता है तो आप राजा हरिश्चंद लगाते हैं, मगर असलियत में अगर हम रियालिटी और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में दादा साहब थोरने की फिल्म श्री पुंडलिक पहली फिल्म थी साइलेंट फिल्म की, अगर हम बात करें, जो कि रिलीज की गई थी इन मराठी 1912 में। उसके बाद 1913 में राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी दादा साहब फाल्के द्वारा, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो के अंदर। तो हमने हिस्ट्री में शुरुआत में बात करी कि H.S. भटावडेकर थे जिन्होंने पहली फिल्म रिलीज की थी जिसका नाम था रेसलर। कोई भी पहली फिल्म जो शूट हुई थी इंडिया के अंदर उसका नाम था रेसलर, 1899 के अंदर आई थी। उसके बाद है दादा साहब थोरने जिन्होंने अपनी पहली साइलेंट फीचर फिल्म इंडिया ने बनाई थी, इसका नाम था श्री पुंडलिक, मराठी के अंदर बनाई थी ये। और इसको अगर हम बात करें रिलीज कहाँ किया था, कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ, एक जगह है वहां पर वो बॉम्बे के अंदर, वहां पर इसको रिलीज किया गया था। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, दीदूराज गोविंद फाल्के की, जो है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इनको कहा जाता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर दादा साहब थोरने को भी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। तो अब ये आप समझ सकते हैं थोड़ा कंफ्यूजन है, मगर आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको आंसर दीदूराज गोविंद फाल्के को ही लगाना है, क्योंकि आंसर हमेशा यही आता है, इनको भी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। वही अगर हम बात करें दादा साहब थोरने की, इनको भी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। तो अब बात करते हैं धुंधीराज गोविंद फाल्के की, इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, जैसे मैंने आपको बताया। इनकी पहली साइलेंट फीचर फिल्म अगर हम बात करें वो थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 के अंदर इन्हें रिलीज की थी। ये पूरी एक फुली फीचर्ड फिल्म थी। दादा साहब फाल्के ने टोटल 95 फुली फीचर्ड फिल्म बनाई थी, और साथ में 27 शॉर्ट फिल्म अपने करियर में उन्होंने डायरेक्ट की थी। अगर हम उनकी कुछ चुनिंदा फेमस फिल्मों की अगर बात करें तो उसमें नाम आता है मोहिनी भस्मासुर 1930, सत्यम सावित्री 1914, लंका दहन 1917, श्री कृष्ण जन्म 1918 में ये बनी थी, और उसके बाद कल्याण मर्दान ये 1990 में उन्होंने रिलीज की। तो ये सीक्वेंस भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस काफी पूछते हैं कि कौन सी फिल्म दादा साहब की पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी। तो सबसे पहली फिल्म उनकी थी मोहिनी
बस मासूर जो 1913 में रिलीज हुई थी। अगर हम उनकी लास्ट फिल्म की बात करें तो वो थी सेठ बंधन जो 1932 में रिलीज हुई थी। अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में और सिनेमा के लिए सबसे बड़ा अवार्ड अगर जिसको माना जाता है उसको कहते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड जो इनके नाम पर 1969 पे गवर्नमेंट ने रखा था। अभी हम अगर लेटेस्ट लिस्ट की बात करें तो इस समय सबसे लेटेस्ट अवार्ड जो मिला है श्री अमिताभ बच्चन को मिला है। लेटेस्ट अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अभी सबसे लेटेस्ट किसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है तो आपको आंसर लगाना है श्री अमिताभ बच्चन। और पहली बार किसको मिला था श्री दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो मिला था देविका रानी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, पेपर में ये चीज आ सकती है कि पहली बार किसको मिला था वो थी देविका रानी और अभी लेटेस्ट किसको मिला है वो है श्री अमिताभ बच्चन। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ये आ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे इरा की। अब अभी तक हमने बात करी थी वो थी साइलेंट इरा, अब बात करते हैं टॉकीज इरा में। इसमें बोलती हुई फिल्म बनाई जाने लगी थी तो उसमें सबसे पहली फिल्म बोलती हुई किसी ने बनाई थी वो थे अर्देश ईरानी। इन्होंने बनाई थी आलम आरा, ये पहली बोलती हुई फिल्म थी इंडिया के अंदर। अब हम बात करते हैं पहली कलर फिल्म की, वो थी किसान कन्या जो 1937 में बनाई गई थी मोती बी गिडवानी द्वारा और प्रोड्यूस की थी अर्देश ईरानी ने। अर्देश ईरानी ने पहली टॉकी फिल्म भी बनाई थी और साथ में कलर फिल्म भी बनाई थी। मगर यहाँ एक और चीज आती है, अगर आप अगर हिस्ट्री देखें और काफी बुकों में ये लिखा गया है कि झांसी की रानी 1953 के अंदर पहली कलर फिल्म थी। तो अब ये चीज बहुत काफी कंफ्यूजिंग है कि कौन सी पहली कलर फिल्म मानी चाहिए, मगर आप अगर हिस्ट्री में देखते हैं बुकों में देखते हैं तो वहां पर झांसी की रानी 1953 देखा जाता है, पर काफी अगर आप हिस्ट्री बाकी चीजों में देखेंगे तो वहां पर किसान कन्या 1937 को पहली कलर फिल्म माना जाता है। तो मेरे हिसाब से तो किसान कन्या होना चाहिए जो 1937 में पहली बार कलर फिल्म बनी थी जो मोती बी किडवानी ने बनाई थी और प्रोड्यूस की थी अर्देश ईरानी द्वारा। अब इस टॉकीज इरा के अंदर ही एक स्टूडियो सिस्टम लागू हुआ था जिसको शुरू किया था वी संतराम और उन्होंने तीन पार्टनर मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस खोला था, अपना खुद का स्टूडियो बनाया था। क्योंकि उस समय अगर हम उससे पहले के चीजों के बारे में बात करें तो उससे पहले कोई स्टूडियो सिस्टम नहीं हुआ करता था, मगर वी शांताराम और उनके तीन अदर सहभागियों ने मिलकर एक पहली बार स्टूडियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इंडस्ट्री के अंदर। उनके अपने स्टूडियो का नाम रखा था प्रभात एंड को। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर काफी फिल्में डायरेक्ट की थी जिसमें सबसे फेमस फिल्मों की अगर बात करें तो उसमें आता है अयोध्या राजा, संत तुकाराम, अमर ज्योति, दुनिया ना माने। अब बात करते हैं एक और फेमस फिल्म की जो थी दो बीघा जमीन जो पैरेलल सिनेमा को पूरी तरह से दर्शाती थी जो बिमल रॉय ने डायरेक्ट की थी। बिमल रॉय की अगर हम बात करें तो वो पहले एक सिनेमेटोग्राफर थे, काफी डायरेक्टर्स के अंदर वो सिनेमेटोग्राफी करते थे, मगर उसके बाद उनका सेंस इतना अच्छा था कि उन्होंने खुद एक अपनी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था दो बीघा जमीन जो काफी फेमस फिल्म थी। 1953 में ये रिलीज हुई थी। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे फेमस डायरेक्टर की जो है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे वाइल्डली बहुत फेमस डायरेक्टर थे अपने समय में, बंगाली फिल्म्स वो बनाया करते थे। अगर उनकी पहली फिल्म की बात करें तो वो थी पत्थर पंचिल 1955 में, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, सीक्वेंस कई बार पूछा जा चुका है कि पहली फिल्म उनकी कौन सी थी, बाद में फिर एक सीक्वेंस पूछा जाता है तो उसमें आपको आंसर देना है। सीक्वेंस आता है तो पत्थर पंचिल सबसे पहले फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की थी सत्यजीत रे ने वो थी 1955 में पत्थर पंचिल, जिसको 11 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे ड्यूरिंग दैट टाइम। और उसके बाद उनको बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड एट 1956 कैनाल फिल्म फेस्टिवल में भी मिला था इस पत्थर पंचिल के कारण। तो काफी फेमस फिल्म थी ये। उनकी और भी कई फेमस फिल्म थी जिसका नाम है अपर अजीतो, अपूर संसार, जल सागर और देवी। और सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है कि इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं आज भी अगर हम बात करें सत्यजीत रे जिनको अकेडमी अवार्ड मिला है 1992 के अंदर। इनके अलावा आज तक किसी को भी ऑस्कर अवार्ड, एकेडमिक अवार्ड एक ही होता है मैं आपको बता दूं, तो वो एकेडमिक अवार्ड आज तक किसी को नहीं मिला है सत्यजीत रे के अलावा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप नोट कर सकते हैं कि सत्यजीत रे इकलौते डायरेक्टर थे जिनको एकेडमी अवार्ड मिला है 1992 के अंदर। अब हम बात करते हैं गोल्डन एज ऑफ बॉलीवुड या कहें गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा। गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा इसलिए कह सकते हैं इसे क्योंकि इसके बाद काफी स्टार को तवज्जो दी जाने लगी। डायरेक्टर्स का उतना नाम होता था मगर उतना उससे ज्यादा नाम होता था कई एक्टर्स का, एक्टर एक्ट्रेस उतना ज्यादा पॉपुलर होने लगे इस गोल्डन एज के अंदर। काफी फेमस डायरेक्टर इस इरा में भी आए और इस एज में जो खास बात ये होने लगी कि जो एक्टर थे वो खुद भी अब डायरेक्ट करने लगे थे अपनी फिल्में। तो इसमें अगर हम बात करें कुछ ऐसे एक्टर्स की तो उसमें राज कपूर का नाम आता है, गुरुदत्त भी कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे मगर उसके बाद वो डायरेक्शन के अंदर भी वो थे। तो इस समय अगर हम बात करें इस एज के अंदर डायरेक्टर्स की तो उसमें नाम आता है सौरभ मोदी का, महबूब खान, गुरुदत्त, राज कपूर, कई फेमस डायरेक्टर उस समय थे। राज कपूर हालांकि तो बहुत फेमस एक्टर थे मगर उनकी कई फिल्म भी अच्छी सुपरहिट साबित हुई थी जो उन्होंने रिलीज की थी अंडर हिज ओन प्रोडक्शन और उन्होंने खुद डायरेक्ट की थी वो फिल्में,
तो राज कपूर की अगर खुद अगर हम बात करें जो उन्हें डायरेक्ट की थी उसमें नाम आता है आवारा, बरसात, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम एंड राम तेरी गंगा मैली। तो इनकी जो मेगा हिट अगर हम कहें वो थी बॉबी। बॉबी बहुत ज्यादा हिट हुई थी इनकी उस समय। अगर हम बात करें गुरुदत्त साहब की, अगर हम बात करें तो गुरु साहब अपने समय से बहुत आगे के डायरेक्टर थे। ही इज अ प्रोफेलिक डायरेक्टर। उनकी काफी ऐसी फिल्में थी अगर हम बात करें कागज के फूल, प्यासा, साहिब बीवी और गुलाम, जो कि मेगा हिट साबित हुई थी। और उनका जो विजन था वो माना जाता था कि वो अपने समय से 20 साल आगे की सोचते थे, और वो सही था क्योंकि अगर हम बात करें 80s और 90s की सोच वो 60s के अंदर ही ऑलरेडी लगा चुके थे। तो ये आप सोच सकते हैं कितने आगे के सोचने वाले डायरेक्टर में से एक थे गुरुदत्त साहब। अब हम बात करते हैं वी शांताराम की। वी शांताराम जैसे आप जानते हैं कि बहुत पुराने स्टूडियो सिस्टम से लेके इन्होंने कहां तक अपना जलवा बिखेरा हुआ था। और अगर इनकी एक फेमस फिल्म की अगर हम बात करें जो इन्होंने खुद डायरेक्ट की थी वो थी झनक झनक पायल जो थी झनक झनक पायल बजे 1955 में ये रिलीज हुई थी। महबूबा खान की मदर इंडिया 1957 में एक मेगा हिट थी। उसके बाद मुगले आजम आई थी 1960 के अंदर। मुगले आजम की जो खासियत थी ये थी कि उसमें बहुत ज्यादा ज्वेलरी और बहुत ही मेगा बजट, मतलब अगर बजट की बात करें तो इतना बजट किसी भी फिल्म में खर्च नहीं किया गया था जितना मुगले आजम में था। क्योंकि इसमें सीन अगर हम बात करें जो कपड़े थे बहुत ही ज्यादा रॉयल कपड़े, उस समय अगर फिल्मों की बात करें तो उस लेवल के कपड़े, उस लेवल का सेट उस समय तैयार नहीं होता था। इसकी शुरुआत मुगले आजम से 1960 के अंदर हुई थी। अब हम बात करते हैं पहली ऐसी फिल्म जो फॉरेन लोकेशन में शूट हुई थी, उसका नाम था संगम और इसको डायरेक्ट किया था राज कपूर ने। तो ये भी आपको याद रखना है, संगम 1964 में राज कपूर ने पहली बार ऐसा कोई डिसीजन लिया कि हम अब बाहर जाकर भी फिल्मों को शूट करेंगे, वहां की लोकेशन पर भी अब फिल्में बनाएंगे। सो आज की वीडियो मैंने आपको बताया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। इसमें तीन एजेस आते हैं, एक है साइलेंट ईरा, दूसरा है टॉकी ईरा और तीसरा है गोल्डन एज। काफी अगर हम बात करें अपने मास कम्युनिकेशन के पेपर की तो इन तीनों ईरा से ही क्वेश्चन आते हैं, इससे आगे आपसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो आप अगर इन तीनों ईरा को ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको जरूर क्वेश्चन आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग मास कम्युनिकेशन वीडियो। थैंक यू।